गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बेटा। थोड़ा कोल्ड हो रहा है मुझे एक्चुअल में, और थोड़ा कफ भी है, तो थोड़ी आवाज आज वॉल्यूम कम रहेगा बेटा। हाँ तो प्लीज एडजस्ट करिएगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग यशिका बेटा। जो गुरुकुल के बच्चे हैं बेटा, हाँ वो लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे बेटा? उनके नोट्स कंप्लीट है? गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, आप लोगों का स्कूल खुलने जा रहा है। हाँ ठीक है। और अगर आपने नोट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक, अब बिफोर कमिंग टू द स्कूल, राइट, तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा बेटा उस बच्चे को। ठीक है, और मैं रेंडमली कॉल करूंगा। ठीक है, और आप जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, और मैं आपसे बोलूंगा कि अपने नोट्स सेंड करो, तो प्लीज प्रिपेयर ऑल योर नोट्स बेटा। खासतौर से वो बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए बेटा। हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक बेटा। ठीक है, जल्दी खुल जाएगा बेटा, जल्दी खुल जाएगा जतिन। ठीक है, डेट कंफर्म नहीं है, बट इट विल बी ओपन शॉर्टली बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा। हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 17 ऑफ पी ब्लॉक बेटा। ठीक है, हमने ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 को हम सभी जानते हैं, दे आर नोन एज हेलोजेंस। ठीक है, हेलो दो वर्ड से, हेलोजेंस टू वर्ड से बना बच्चों, हेलो और जेन। हेलो मीन्स सॉल्ट, ठीक है, और जेंस मीन्स बॉर्न। तो मतलब वो जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। क्या वो कहते हैं? हेलोजेंस, राइट। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं सब आप जानते हैं। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? इज आई एम ऑडिबल बेटा? ठीक सॉरी। सो द एलिमेंट कौन कौन से बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है ना, राइट right? और इनका जो एटॉमिक नंबर है ये सब आप जानते हैं, 9, 17, 35, 53, 85। जो मैजिक नंबर है इनका, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने, 8, 18, 18 और 32, राइट। और ये सब क्या है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यू कैन इजीली राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों अकरेंस, राइट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें, इन इन सब में मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है? विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ हेलोजन बेटा? विच इज द मोस्ट अबेंडेंट? क्लोरीन है, क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन इज द मोस्ट अबेंडेंट, बट फ्लोरीन भी अबेंडेंट है,
बट जो ब्रोमीन होता है और जो आयोडीन है वो लेसर अमाउंट में है, ठीक है राइट। और एस्टेटाइन तो क्या है, रेडियो एक्टिव होता है राइट। तो फ्लोरीन और क्लोरीन आर एबेंडेंट, ब्रोमीन और आयोडीन आर लेस एबेंडेंट, एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव। जो फ्लोरीन होता है वो एबेंडेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कोई ऐसा और जिसमें फ्लोरीन था बेटा, कोई कोई ऐसा और जिसमें फ्लोरीन अवेलेबल था, एनी और इन विच और इज इन विच फ्लोरीन इज अवेलेबल, क्रायोलाइट क्या था, क्रायोलाइट Na3AlF6, फ्लोरस्पार है ना, CaF2 BaF2 राइट, उसकी मेटलर्जी में यूज किया था हमने, ठीक है। सो फ्लोरीन इज फाउंड इन सम मिनरल्स आल्सो व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर बेटा, ठीक है राइट। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सी वाटर में भी होता है एज इन सॉल्ट ऑफ कैल्सियम मैग्नीशियम और पोटेशियम। सो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर प्रेजेंट इन सी वाटर एज इन कैल्सियम मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम कैल्सियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सॉल्ट बेटा, ठीक है राइट। और मैक्सिमम आपको जो सी वाटर में मिलता है वो क्या मिलता है, NaCl मिलता है, वो इट इज अराउंड 2.5% बाय मास, तो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है राइट। और क्लोरीन इज ऑल्सो फाउंड इन सम मिनरल्स, ये भी हमने जानते हैं हम, रॉक सॉल्ट हो गया, कैरनालाइट था, KCl MgCl2.6H2O, ठीक है राइट। और आयोडीन क्या था, आयोडीन का भी एक वो था, क्या कहते हैं, आयोडीन भी फाइंड होता है किसमें, इन सम ओर्स, थोड़ा बहुत हमने देखा था चिली सॉल्ट पोटोव या चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, NaNO3 को बोला था हमने, इसमें NaNO3 में 0.2% NaIO3 होता है, क्या होता है, NaIO3 होता है। तो अगर आपसे ऐसे पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है इसका जो कि हमारे एक ग्लैंड के लिए जरूरी होता है, एनीवन, कौन सा ऐसा एलिमेंट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर For one gland, that is iodine, and that gland is known as thyroid gland. बिल्कुल, तो thyroid gland के लिए हमें क्या जरूरत होती है, iodine की जरूरत होती है। तो जो iodized जो नमक होता है, ठीक है ना, iodized नमक जो होता है, that contains some Ki and KiO3, क्या होता है, that contains some Ki, जिसको iodized नमक बोलते हैं, KiO3 होता है, right? So that is required for फॉर थायराइड ग्लैंड टू वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो एक डिजीज हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं राइट। बिल्कुल बेटा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज राइट। तो कलर की बात करते हैं सबसे पहले, जो कलर होता है फ्लोरीन का वो पेल येल्लो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येल्लो होता है, ठीक है राइट। ग्रीन कम होता है, येलो स्टच ज्यादा होता है, ये रेड ब्राउन होता है, बेसिकली रेड कलर का ही होता है। और आयोडीन क्या होता है, वॉयलेट या पर्पल कलर होता है, ठीक है राइट। आप गेस कर सकते हैं, या ऐसा कुछ रीजन आपसे पूछे कि वाई दे शो कलर, तो हम क्या आंसर देंगे, वाई दे शो कलर, क्या आंसर देंगे हम यहाँ पे, वाई दे एग्जिबिट कलर, बिकॉज ऑफ क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल, क्या है, उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री जो लाइट होता है उसको एग्जिबिट करता है, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री लाइट एंड एग्जिबिट कलर। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर ये क्या कहते हैं फ्लोरीन येलो कलर का दिखाई देता है तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता होगा, विच लाइट इट एब्जॉर्ब्स, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता होगा, किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता होगा, वॉयलेट, बिल्कुल ठीक है। आपने उसमें पढ़ा होगा क्या कहते हैं, नॉट ब्लू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड कंपाउंड, आपने देखा होगा राइट। वहां पे एक पढ़ा होगा मुनसन व्हील, क्या पढ़ा होगा, मुनसन व्हील राइट। तो मुनसन व्हील क्या था, ये ऐसे मुनसन व्हील था राइट, ये वॉयलेट और इंडिगो एक साथ रखते हैं, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ऑरेंज, ये सॉरी येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। तो ये क्या कर रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब क्या कर रहा होगा, वॉयलेट या इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं ब्रोमीन कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या कर रहा होगा राइट। हैव यू हर्ड अबाउट मुनसन व्हील बेटा, मुनसन व्हील पढ़ा है आप लोगों ने, नो नो
कुछ बच्चे बोल रहे बेटा पढ़ा है, कुछ बच्चे नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है बेटा, ठीक है, जो जिस चीज का जो कुछ जो एलिमेंट जो क्या होते हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, बट उसको जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करते हैं, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो आपको अगर पता लगाना है, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा, देयर आर सम कलर्स आर गिवन है इन द लास्ट पेज, लास्ट 2-3 पेजेस अगर आपने देखा होगा ध्यान से, ठीक है, राइट। सो दे एग्जिबिट्स द कलर। अब कलर क्या है, कलर को अगर आपको पता लगाना है, हाँ टेबल है उसमें कलर का, तो उसके लिए हम एक व्हील यूज करते हैं जिसका नाम है मुनशन व्हील। क्या है, मुनशन व्हील, ठीक है। बच्चों प्लीज, हाँ अपने आप को म्यूट करिए बेटा, क्योंकि जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनको बार बार म्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज हाँ म्यूट योर सेल्फ बेटा, ठीक है, सो दैट मेरी वॉइस बेटा प्रॉपर मिलती रहे आप लोगों को, ठीक है। तो मुनशन व्हील क्या होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो पुट ऑफ द कैमरा बेटा। रणविजय कल आपका कैमरा पूरा ऑफ था, ठीक है, राइट। और जब क्या होता है, जब कैमरा ऑफ रहता है ना, तो उसको एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और एडिटिंग में जब टाइम लगता है, यू विल नॉट गेट द वीडियो लेक्चर ऑन टाइम बेटा। और एडिटिंग में खुद ही करता हूँ तो इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज अपना कैमरा अगर ऑफ रखेंगे तो इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको जल्दी ही जो वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो बीच बीच में वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, बहुत सारी इनअप्रोप्रिएट होता है, जो कि जाएगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि और बच्चे देखेंगे, राइट। नहीं बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाद में क्या करते हैं ना, जो बाद में ज्वाइन करते हैं ना बेटा, तो उसको कमांड बार बार देनी पड़ जाती है, बहुत बार सिस्टम लेता नहीं है। मैं पहले से म्यूट करके रखता हूँ, वीडियो भी ऑफ रख करके रखता हूँ जब मैं सेटिंग करता हूँ, बट समटाइम्स तभी भी पता नहीं क्या एरर रहता है और वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इट्स बेटर कि बेटा ऐसा ना करो, आप अपना ऑफ रखो, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, सो दैट हम लोग कंटिन्यूटली लेस टाइम में फिनिश कर सके बेटा, हाँ ठीक है। तो मुनशन व्हील, अगर हमें कलर बताना है तो उसके हेल्प हम एक व्हील का यूज करते हैं जिसका नाम है मुनशन व्हील। मुनशन व्हील में आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसे थ्री वो बनाने हैं इसके अंदर, एक सर्कल बनाना है और थ्री आपको क्या बनाना है, कॉर्ड बनाने हैं, ठीक है। और आपको कहीं से भी शुरू करो, साइक्लिक शुरू करो आप, और आप साइक्लिक विबिग्योर लिख दो साइक्लिक, बट याद रखने वॉयलेट और इंडिगो को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। तो मुनशन व्हील ने वॉयलेट और इंडिगो को सेम एक ही जगह पे रखा। अब अगर हम साइक्लिक घूम रहे हैं तो वी आई के बाद क्या आएगा, बी आएगा, दैट इज ब्लू, फिर क्या आएगा, ग्रीन आएगा, फिर क्या आएगा, येलो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर क्या आएगा, रेड आएगा। तो अगर ऐसा आता है कि कोई कंपाउंड, अगर ऐसा आता है, इफ सब कंपाउंड एब्जॉर्ब्स येलो लाइट, क्या करता है, येलो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो व्हाट विल बी द कलर। तो येलो लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है, वॉयलेट और इंडिगो। क्या है, वॉयलेट और इंडिगो। सिमिलरली अगर वो रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो दिस मीन्स इट लुक्स लाइक ग्रीन। क्या होगा, वो क्या दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, राइट। छोटी क्लास में शायद आपने सुना होगा बच्चों, है ना, ठीक है, क्लियर है। सो दिस मीन्स क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मुनशन व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनशन व्हील कहते हैं। नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज मुनशन व्हील, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हेल्प करेगा आपको मुनशन व्हील बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर आप देखें इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज कर रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक दे सकते हैं, हम कर सकते हैं बेटा, बट आप उसको ठीक है। हाँ, तो हम क्या रीजन दे सकते हैं कि वाई, कि क्या कहते हैं, कि मोर मोर एक्साइटमेंट, या हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस, वो जो बॉन्डेड है उसकी क्या है, लेस टाइटली बॉन्डेड है, क्या है वो, लेस टाइटली बॉन्डेड है या लूज बॉन्डेड है, क्योंकि जब साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता चला जाएगा, हाँ, तो डिक्रीज इन आइसन एनर्जी हो जाएगा।
सो दैट इज वाई इंटेंसिटी जो हो जाएगा कलर इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज लेस टाइटली बॉन्डेड. ठीक है राइट. अब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. हमें पता है क्लोरीन और जो ब्रोमीन होता है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक, और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है सॉलिड होता है. दे ऑल आर नॉन मेटेलिक. क्या होते हैं दे ऑल आर नॉन मेटेलिक. यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है बेटा आइए यहां नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. राइट एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियाई हमें पता है बेटा डाउन द ग्रुप क्या करेगा इंक्रीज करेगा एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई, और किसी रिस्पेक्टिव पीरियड में इसका जो जो ये होता है हैलोजन्स होते हैं उनका साइज स्मॉलेस्ट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो स्मॉलेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू द मैक्सिमम जेड इफेक्टिव रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. आयनिस एनर्जी हमें सभी को पता है डाउन द ग्रुप हाई होती है, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी डिक्रीज करेगी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रीजन आप सभी को पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्लोरीन ज्यादा होता है देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. ठीक है राइट. और अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज एफ टू बी आर टू सी एल टू और आई टू, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी कोई गैस कर सकता है? विच इज द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी Cl की. किसकी Cl2 की मैक्सिमम होगी. आफ्टर दैट Cl2, आफ्टर Cl2 Br2. वेरी गुड. नहीं नॉट F2, Br2 देन F2 देन I2. ठीक है तो बॉन्ड एनर्जी रीजन आप लोगों को पता होगा शायद क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका एटम का साइज बहुत हाँ का छोटा होता है और सब में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, तो उनमें रिपल्सन होगा उसकी वजह से उसका क्या होगा उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है F2 की वीक हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन. या बॉन्ड एनर्जी का डाटा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है राइट. यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है F2 बॉन्ड एनर्जी इज लेसर देन Cl2 Br2 बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल इन 2p ऑर्बिटल राइट. नेक्स्ट है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है वैलेंसी इज यूजली कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है. ठीक है दैट इज -1, 0, +1, +3, +5 और +7 होता है. क्लियर है राइट right? तो ये पेज क्लियर है आप लोगों को बेटा पर तो अगर मैं यहीं पे अगर हम इसकी रिएक्टिव प्लस थ्री का एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल देखेंगे बेटा हाँ वी विल सी एग्जाम्पल हाँ डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है आपने एग्जाम्पल जाना चाहता तो HClO2 आपने सुना होगा राइट. हैव यू हर्ड अबाउट HClO2 राइट. काफी बार पूछा जाता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस थ्री. नहीं बेटा दैट इज नॉट हाइपो बेटा हाइपो दूसरा होता है HClO इज हाइपो. ठीक है हाँ क्लोरिक एसिड दिस इज क्लोरिक एसिड राइट. अब अगर मैं यहीं से पूछता हूं कि रिएक्टिविटी किसकी यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना होता तो क्या होता रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो F2 का मैक्सिमम होता डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी. तो प्लीज आप लिख लेना यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो वो F2 फिर Cl2 फिर Br2 एंड देन I2 प्लीज मेंशन इट. ठीक है राइट. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ये सब आप जानते हैं राइट. तो F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4 होती है, क्लोरीन के 3 होती है, ब्रोमीन के 2.8 होते हैं, आयोडीन के 2.5 होती है एज पर पॉलिंग स्केल एज पर पॉलिंग स्केल. तो अगर आपको अगर आप ये लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बाद में इसको हम यूज भी कर सकते हैं. अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आगे जाके हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता होगा राइट. ठीक है
नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर. तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर हमें पता है फ्लोरीन जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हम सबको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, दैट इज एसआरपी के होता है. और जो एसआरपी होता है वो डिपेंड करता है डिसोसिएशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे. तो डेल्टा एच ऑफ आरपी, आरपी इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. तो डेल्टा एच ऑफ आरपी क्या होता है, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. तो अगर आप वैल्यू देखेंगे तो F2 की सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इसीलिए F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, ठीक है, राइट. तो F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, राइट. F2 के सामने कोई भी आ जाएगा बच्चों, सबके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, राइट, किसी को भी छोड़ता नहीं है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को देखें, तो अगर फ्लोरीन को वाटर के साथ करेंगे तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, F2 बन जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, राइट. लेकिन यही क्या होता है, यही जब क्लोरीन और H2O की रिएक्शन होती है तब प्रोडक्ट कुछ और मिलता है, हमें HCl मिलता है और HOCl मिलता है. क्या मिलता है, HCl और HOCl मिलता है, राइट, ठीक है. ये यूजली ये रिएक्शन इतनी होती नहीं है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ठीक है, इतना हाई, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बट यूजली ऐसा होता है. क्योंकि अगर आप Cl2 को वाटर में लाएंगे तो आपको HCl और HOCl मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा क्लोरीन इज अ वेरी गुड, आपने देखा होगा आजकल, राइट. अगर आपने उसमें देखा होगा, क्या कहते हैं, आजकल वो सैनिटाइजेशन का बहुत चल रहा है, वो लोग आते हैं, है ना, नगर पालिका वाले या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और वो सैनिटाइज करके जाते हैं, राइट, ठीक है, वो लिक्विड डाल के जाते हैं. डू यू नो व्हाट दैट लिक्विड इज, व्हाट दैट लिक्विड इज, हाइपो, एक्सीलेंट, क्या है, हाइपो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl. एंड हाइपो क्या करता है, हाइपो क्या करता है, तो उसमें क्या होता है, OCl माइनस होता है, क्या होता है, OCl माइनस. और OCl माइनस इज अ वेरी गुड, क्या, वेरी गुड बायोसाइड. क्या होता है ये, बायोसाइड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, बायोसाइड. क्यों बायोसाइड होता है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन निकल जाता है और सिर्फ क्या बन जाता है, HCl बनेगा और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा. दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट भी, अगर आपने देखा होगा, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है, राइट. तो फ्लोरीन की रिएक्शन अलग होगी, क्लोरीन की रिएक्शन अलग होगी बच्चों. क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, हाँ हाँ, वॉशिंग फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, बिल्कुल राइट, पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं थोड़ा बहुत, राइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बेटा, राइट. चलिए बच्चों, हाँ, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट, ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हमने देखा था, राइट, ठीक है, कि अगर फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H प्लस और F माइनस मिलता है और O2 मिलता है. ये दोनों कंबाइन करता है, क्या बनता है, H2F2 बनता है. क्या बनता है, H2F2 बनता है. और जो H2F2 होता है वो डिकम्पोज नहीं करता, वो यूजली क्या करता है, डिकम्पोज नहीं करता इनटू H2 और F2 में, ठीक है, राइट. क्लोरीन की अगर Cl2 और वाटर की रिएक्शन करते हैं तो अभी हमने देखा था क्या मिलेगा, HX और HOX मिलेगा, वेयर X कैन बी Cl और Br. क्या होगा, Cl और Br होगा. क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट. और अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन वाटर में डिजोल्व नहीं होता, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है. क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है ये रिएक्शन. क्लियर है बेटा, राइट. ठीक है, राइट, ठीक है. ऑल आर सॉलिबल इन वॉटर, सब पानी में सॉलिबल होते हैं एक्सेप्ट आई टू. आई टू इज नॉट सॉलिबल इन वॉटर, ठीक है, राइट. अगर आई टू को पानी में सॉलिबल करना है तो हम के आई एड कर देते हैं, या के आई थोड़ा सा लेते हैं पानी में, तब आई टू क्या हो जाता है, सॉलिबल हो जाता है. क्या होता है, आई टू सॉलिबल हो जाता है, ठीक है, राइट. आयोडीन क्या करता है, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज बाय, क्योंकि ऑक्सीजन के सामने अगर आई माइनस आएगा तो ऑक्सीजन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये आई टू बन जाएगा, तो ये आई टू बन जाएगा. स्प्रिंगली सॉलिबल कह सकते हैं बेटा, बट ऑलमोस्ट इनसॉलिबल सा होता है, आप स्प्रिंगली सॉलिबल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है, जैसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं, AgCl VgCl बोलते हैं, तो भी आप उसको कह देते हैं कि वो क्या है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, बट सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है, राइट right? और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है. सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन विथ वाटर. तो क्या फ्लोरीन कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, क्या फ्लोरीन कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा बेटा, यस या नो? आंसर इज नो, कभी भी शो नहीं करेगा, राइट वो कभी भी शो नहीं करता है, बिकॉज वो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, राइट तो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन शो करते हैं, आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है या हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एच टू, ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्लोरीन को क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आपको डार्क में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तो एच टू प्लस एफ टू क्या मिलता है, एच टू एफ टू, और ये जो एच टू एफ टू होता है वो डिकम्पोज नहीं करता इन टू एच टू और एफ टू में, राइट. सी एल टू और एच टू के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत लाइट चाहिए होती है, तो एच सी एल बनेगा. बी आर टू अब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो आपको स्लाइटली हीट करना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए बी आर टू के साथ एच टू की, और I2 की रिएक्शन कराने के आपको ज्यादा और टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बी आर टू टू मेक एन एच आई. क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है बेटा यहाँ तक, राइट right? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कौन सा, ठीक है, इसमें से अगर मैं पूछूं क्या H2F2 या अगर ऐसे पूछता हूं क्या HCl रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? HCl is a reducing agent or oxidizing agent? डार्क में करने का फायदा ये होता है बेटा कि नहीं तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है. आपने देखा होगा फोटो हेलोजिनेशन में, हैव यू सीन ना, राइट, फोटो हेलोजिनेशन में फ्लोरीन को नहीं जोड़ते हैं, राइट द रिएक्शन, क्योंकि वहां पे अनवांटेड प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं जरूरी, तो ऐसी रिएक्शन को आप प्रिफर नहीं करते. तो HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है, इसीलिए डार्क रखते हैं. और HBr इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे ऑल आर सोर्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन. सो द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. सो दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट. क्या H2F2 भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा? H2F2 भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यस या नो? आंसर इज नो. मैंने क्यों, व्हाई, why it is not a reducing agent? हाँ, क्योंकि ये break नहीं होगा, very good, क्योंकि ये break नहीं होगा, step, right? So यहाँ पे H2F2 does not decomposes into H2 and F2, so it never act as a reducing agent, ये कभी भी reducing agent की तरह behave नहीं करेगा. Rest all are reducing agent, ठीक है, तो they all are reducing agent. ये सारी के सारी क्या है, gases हैं, they all are gases. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सो दे ऑल आर गैसेस, ठीक है. HCl क्या होता है, अगर गैसेस स्टेट में तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, अगर एक्वस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. तो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. जो रिएक्टिविटी है हमने अभी बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी. जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप यूजली इंक्रीज करता है, क्योंकि हमने देखा था, ठीक है, कि मॉलिकुलर वेट बढ़ता है तो वेंड्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और HF इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तब क्या होगा, आयोडीन होगा, तब HBr होगा, तब क्या होगा, HCl होगा, ठीक है. और बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होगी या स्टेबिलिटी कह दें, थर्मल स्टेबिलिटी कह दें, तो क्या होगा, HF सबसे ज्यादा होगा, देन HCl, देन HBr और HI. बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा तो इजिली टूटना आसान हो जाएगा, राइट, ठीक है. आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, छोटा एनायन बड़ा कैटायन अनस्टेबल, या बड़ा एनायन छोटा कैटायन अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होता है. ये लॉजिक आप 99% जगह लगा सकते हैं और आपको सही रिजल्ट मिलेगा, एका जगह एप्लीकेबल नहीं होता. लेकिन अगर दोनों का साइज कंपेरेबल है, ठीक है, या तो छोटे छोटे या बड़े बड़े, तो ये स्टेबल है, ये टूटेगा नहीं, और अगर स्टेबल होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी. क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, राइट, तो इसको आप लगा सकते हैं. हाँ, ठीक है. लैटिस एनर्जी में जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत और कंफ्यूज होंगे, इस लॉजिक को आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, राइट.
सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों का साइज कंपेरेबल है, यहाँ पे साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इजिली टूट जाएगा, तो इसलिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। सेम रीजन है कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इजिली टूट जाएगा, इसका मतलब ये एच प्लस का बहुत अच्छा सोर्स है, तो एच प्लस का सोर्स होगा इसीलिए क्या होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो एच आई एच बी आर एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट एच एफ क्या होता है, वीक एसिड होता है, क्या होता है, एच एफ इज अ वीक एसिड। क्लियर है बेटा, राइट, क्लियर है यहां तक? राइट, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बेटा, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अभी हमने देखा था एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू की सबसे बॉन्ड डिस्पोजिशन एनर्जी बेटा ना, ठीक है। तो क्या होगा अगर दो, मैं अगर आपसे पूछता हूँ जो दो छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा अच्छी दोस्ती होगी कि एक छोटे और बहुत ओल्ड बुजुर्ग आदमी है उनमें दोस्ती अच्छी होगी, किसमें फ्रेंडशिप अच्छी होगी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब अगर क्या होगा साइज कंपेरेबल होगा, ठीक है ना, यंग यंग की फ्रेंडशिप अच्छी होती, ओल्ड ओल्ड की फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है, बच्चों बच्चों की फ्रेंडशिप होती है, राइट। ऐसा नहीं होता कि जब एज का ग्रुप एज गैप हो जाता है तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग नहीं होती, तो टूट जाएगा। तो सेम एच और एफ जो है, एच का साइज छोटा एफ का साइज छोटा या कंपेरेबल है, तो क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, टूटेगा नहीं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है ना, राइट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट होता है, और क्यों होता है वो भी मैंने बताया था आपको थोड़े दिन पहले, राइट। अब क्या है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, ठीक है। तब फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्या इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्या फ्लोरीन इन तीनों को सॉरी रिड्यूस कर सकता है, सॉरी ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट, ऑक्सीडाइज कर सकता है इन तीनों को, यस। और क्लोरीन किसको कर सकता है, क्लोरीन किसको कर सकता है, क्लोरीन किसको करेगा, सिर्फ बी आर और आई को, और बी आर किसको करेगा, बी आर किसको करेगा, आई को, क्या आई किसी को भी वो कर सकता है, आई किसी को भी नहीं करेगा, राइट, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे रिएक्शन देता हूं आपको F2 plus NaCl, तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे F- plus क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, NaF लिखें या लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, राइट। सिमिलरली आप NaBr या अगर मैं यहाँ Ki लिख देता हूं तो आपको F- और क्या मिलेगा, I2 मिलेगा, ठीक है। सो दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं इसको हम कि नहीं कह सकते, कैन वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आंसर इज दिस, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्लोरिन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरिन सभी अपने सारे को, क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन तीनों को सबको, और क्लोरिन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को, और ब्रोमीन सिर्फ किसको करेगा, आयोडीन को करेगा, ठीक है, राइट। सो आप ये देख सकते हैं बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ एफ टू एक्स माइनस टू एफ एक्स टू, वेयर एक्स इज सी एल बी आर आई है, सी एल टू एक्स माइनस है, फिर सी एल माइनस और सी एल टू है, राइट, और बी आर टू क्या करेगा, सिर्फ एक्स होगा, यहाँ पे एक्स क्या होगा, सिर्फ आई होगा, These are known as halogen displacement reaction. यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है, राइट। सॉलिबिलिटी हमने अभी डिस्कस करी थी बेटा, सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, I2 insoluble होता है हमने देखा था, बाकी क्या होते हैं, रेस्ट soluble होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछू यहाँ पे कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए, क्लोरीन और ब्रोमीन हो, ठीक है ना, राइट, वो ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा, वाटर में होगा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल ज्यादा होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि क्या होता है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक,
क्या होता है लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट बेटा, आपने सुना होगा लेयर टेस्ट, ऑर्गेनिक में लेयर टेस्ट सुना है आपने, हैव यू हर्ड अबाउट लेयर टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। व्हाट इज दैट लेयर टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेयर टेस्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, देखिए यहाँ, लेट सपोज यहाँ पे क्या है आपके पास, ये हाँ ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट करते हैं, बिल्कुल। लेट सपोज आपके पास NaBr है एक्वस है, ये वाटर में, ठीक है। और हमने क्या करा दिया इसमें, क्लोरीन गैस पास करा दी, क्या करा दी, क्लोरीन गैस पास करा दी। तो रिएक्शन क्या होगा, Cl2 और Br- क्या रिएक्शन होगा, Br2, और क्या मिलेगा, Cl- मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसमें ऐड कर देते हैं CCl4 ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे CCl4 ऐड कर देंगे। तो CCl4 भारी है, तो वो क्या होगा, दो लेयर मिलेगी, एक ऑर्गेनिक वाला CCl4 की और एक वाटर का, ये जो एक्वस है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं CCl4 का कलर क्या होगा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ CCl4, दैट इज रेड कलर, क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो Br2 है, Br2 इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो Br2 आपको सारा का सारा यहां मिलेगा, और Br2 क्या होता है, रेड या ब्राउन कलर का। तो आपको नीचे की कलर क्या मिलेगी, रेड कलर का मिलेगा, क्या मिलेगा, रेड कलर का मिलेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आया आपको, दिस इज नोन एज क्या, लेयर टेस्ट बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट। अगर यही रिएक्शन में अभी आपसे पूछता, देखती हूं, ठीक है, राइट। यहाँ पे NaCl है और आपने I2 ऐड कर दिया और फिर CCl4 कर दिया, तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ CCl4 लेयर, व्हाट विल बी द कलर ऑफ CCl4 लेयर, व्हाट इज द कलर ऑफ, येलो वॉयलेट। यहाँ पे कोई कलर नहीं है, क्या कोई रिएक्शन होगी बच्चों, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। अभी देखो हाँ, अभी क्या कोई रिएक्शन होगी क्या, नो, देर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, राइट। तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। यही अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता, ठीक है, राइट, कि यहां पे होता Ki होता, क्या होता, Ki होता, और यहां हम Br2 ऐड कर देते और CCl4 ऐड कर देते। अब बताइए व्हाट इज द कलर ऑफ CCl4 लेयर का, क्या कलर होता है, अब CCl4 का क्या कलर होता है, अभी भी आप कंफ्यूज है बेटा, वॉयलेट कलर होता है, नो रिएक्शन क्यों है। ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को कर सकता है, और जो क्लोरीन है वो क्या कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है। तो मुझे बताओ ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बताइए, यस या नो, यस। तो क्या मिलेगा आपको, I2, और I2 मोर सॉल्युबल किस में होगा, CCl4 में होगा, तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ CCl4, व्हाट विल द कलर ऑफ CCl4, वॉयलेट। तो अगर आपने यहां पे NaCl लिया हुआ है और F2 किया हुआ है, तो व्हाट विल बी द कलर, यहां क्या कलर आएगा, यहां क्या कलर आएगा, यहां येलोइश आएगा, क्या आएगा, येलो ग्रीन। इसका क्या कलर आएगा, इसका रेड कलर आएगा, इसका क्या आएगा, वॉयलेट आएगा, इसका फिर से क्या आएगा, रेड आएगा, इसका फिर से वॉयलेट आएगा। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल, इसको उल्टा कर दे तो, नो, राइट। तो अभी याद रहेगा आप लोगों को, अभी कोई कंफ्यूजन, राइट। तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट बेटा, ठीक है, राइट। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अगर I2 को आपको वाटर में सॉल्युबल करना है, तो हम क्या ऐड करेंगे, हमें थोड़ा बहुत वाटर में क्या लेना पड़ेगा, KI लेना पड़ेगा। होता क्या है, ठीक है ना, ये I2 क्या करता है, ये जो KI होता है इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, क्या होता है, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है और बना लेता है Ki3, बना लेता है, क्या होता है, Ki3, और आपको क्या मिलता है, I3-। ये n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है, आपने इसको क्वेश्चन देखा भी होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3-, ठीक है, आपने देखा होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3-, तो ये क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर, राइट। तो दिस इज हाउ I3- इज मेड, I3 कैसे प्रिपेयर होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। और दैट इज वाई कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वाई I2 इज सॉल्युबल इन वाटर, या क्यों होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, जब आप KI लेंगे देन इट विल बी सॉल्युबल,
नाउ इट इज क्लियर बेटा? ठीक है, सो Cl2Br2 बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4 CH2 बेंजीन. I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल व्हेन Ki इज एडेड या Ki इज प्रेजेंट, तो ये क्या बनता है? Ki3 बनता है. कोई डाउट बेटा यहां तक? अभी तक क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ आशीष, डार्क ब्राउन, बिल्कुल आशीष सही करा. राइट, ठीक है. राइट, अब है रिएक्शन विथ मेटल. क्या है? रिएक्शन विथ मेटल. ठीक है, राइट. हमें पता है बहुत सारे मेटल के साथ NaCl, KCl, Ki, राइट, ये सब बनता है. राइट, विशाल बाद में डिस्कस करना बेटा, कॉल मी आफ्टर द क्लास. ठीक है, राइट. रिएक्टिविटी क्या है? ठीक है, तो ये क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, और बहुत सारे मेटल हैलाइड बनते हैं, राइट, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ बनते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे बेटा. ठीक है ना, ये बहुत ईजी है, ये आप देख सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल. हमने देखा होगा बहुत सारे नॉन मेटल के साथ भी हैलोजन कंबाइन होता है. जो कॉमन है वो NF3 है, NF3 कॉमन है. NCl3 भी बनता है, बट दैट इज नॉट सो कॉमन. राइट, Ni3 भी होता है, राइट, बट दे आर वेरी एक्सप्लोजिव. हाँ, बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, तुरंत एक्सप्लोड कर जाते हैं, टच करने से एक्सप्लोड कर जाते हैं. तो ये थोड़ा स्टेबल है NF3. PX3 और PX5 हमें पता है, PCl5 या X कुछ भी हो सकता है, FCl, Br और I तीनों फॉर्म में. और जब PX5 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ होता है FCl और Br, I नहीं होता, क्योंकि I का साइज बड़ा हो जाता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता I5. राइट, S2Cl2 आपने पढ़ा होगा. हाँ, S2Cl2, राइट, S2Br2, ठीक है, तो ये S2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SCl4 एग्जिस्ट करता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, राइट, तो यहाँ पे यही सब मैंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? राइट, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एमोनिया. रिएक्शन विथ एमोनिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो भी रिएक्शन आने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिएक्शन विथ एमोनिया. ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है. जब रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है तो हमें मिलता है NX3 बनता है, और क्या बनता है? HX बनता है. क्या बनता है? HX बनता है. ठीक है, वेयर यहाँ पे जो X हो सकता है वो F हो सकता है, Cl हो सकता है, और Br हो सकता है. क्या हो सकता है? FCl और Br. मैंने अभी बताया था Ni3 हाईली एक्सप्लोजिव होता है, तो वो नहीं बनता. क्या मिलता है? NX3 हो सकता है, X कैन बी FCl और Br. होता क्या है यहाँ पे? NH, H और H आप ऐसे याद रख सकते हैं. यहाँ पे क्या है? Cl और Cl, राइट. इसको तोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें बच्चों? NCl3 मिलेगा, और क्या बनेगा? 3HCl मिलेगा. ठीक है, राइट. तो ये तब होता है, NCl3 तब बनता है जब NH3 एक्सेस में होता है, और जो Cl2 है वो एक्सेस में नहीं है. सॉरी, क्या कह रहा हूं, जब X2 एक्सेस में होता है और अमोनिया एक्सेस में नहीं है, तब ये प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, राइट. सो जब हैलोजन इज इन एक्सेस, अमोनिया एक्सेस में नहीं है, तब NCl3 बनता है. लेकिन यही अगर क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, अमोनिया एक्सेस में हो जाए, ठीक है ना, तब हमें मिलता है N2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. हाँ, क्या बनता है? N2 बनता है, और साथ में NH4X मिलेगा. ठीक है, आप देख सकते हैं या गैस भी कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा होगा. क्योंकि जब क्या होगा, जब ये एक्सेस में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे और भी बन रहे होंगे. तो जब ऐसे और भी बन रहे होंगे NCl3 NCl3, तो ये Cl, ये Cl और Cl, ये आपस में क्या करेंगे, इनको हटा देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? N2. और क्या मिल जाएगा? यहाँ से ClCl सब बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? N2 मिल जाएगा. ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे, जब क्या होगा, जब X2 एक्सेस में तो NX3 बनाना है, और जब क्या है, अमोनिया एक्सेस में है, तो आपको क्या बनाना है? N2 बनाना है. काफी बार पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन, तो प्लीज इसको याद रखिएगा. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा, राइट.
ठीक है राइट। Ni3 जो होता है, मैंने पहले बोला था Ni3 एग्जिस्ट नहीं करता, Ni3 बनता है बट एमोनिएटेड बनता है। जब Ni3 बनता है तो इसी के साथ क्या करता है, अमोनिया के साथ ही अटैच रहता है, तो इसका एमोनिएटेड Ni3 कहते हैं। क्या बोलते हैं, एमोनिएटेड Ni3 होता है। Ni3 अगर अमोनिया हटा देते हैं और Ni3 हाईली एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट करता है बट ये अमोनिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 10-15 बार IIT में, नीट में एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है, और ये रिएक्शन आप बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार देखी भी होगी जब आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना, कोल्ड और डाइल्यूट एंड हॉट एंड कंसनट्रेटेड, राइट। और सर ने बोला भी होगा कि आप इसको याद रखिएगा, ठीक है राइट, किसी को याद है वो राइट आपको याद है ऐसे रिएक्शन कराते थे X2 प्लस क्या, ठीक है, बेसिक मीडियम में कोल्ड और डाइल्यूट, तो क्या मिलता था, X माइनस और XO माइनस, ठीक है। और अगर X2 को OH माइनस और हॉट और कंसंट्रेटेड रखते थे एल्कली में, तो क्या मिलता था, क्या मिलता है, X माइनस और XO3 माइनस, क्या मिलता है, XO3 माइनस, अगर आपको याद है। यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक प्लस वन और एक माइनस वन, और यहाँ एक प्लस वन और एक क्या होता है, माइनस वन और एक प्लस फाइव में जाता है, तो ये वही रिएक्शन है राइट। बट आप याद ध्यान से देख सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन F2 कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा, तो F2 क्या होगा, जब NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaFOF2 और H2O बनता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना राइट। लेकिन अगर X2 NaOH के साथ या कोई भी एल्कली है, कोल्ड और डाइल्यूट है, तो क्या मिलता है, X माइनस मिलता है और XO माइनस मिलता है, NOX मिलता है और वाटर मिलता है। यहाँ पे X कैन बी Cl और Br, आयोडीन नहीं होता है, ठीक है ना, आयोडीन इस कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता है, तो आयोडीन डज नॉट रिएक्ट इन द सेम कंडीशन राइट। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ इसको SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप ऐसे देख सकते हैं, OH माइनस ये आया इधर गया और X माइनस निकल गया, तो क्या मिला, X माइनस और OH ये मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये SN2 रिएक्शन जैसा है, क्या है, SN2 रिएक्शन जैसा है, तो आपको क्या मिल रहा होगा, X माइनस मिल रहा होगा और XO माइनस मिल रहा होगा। H अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल रहा होगा, सिर्फ HO माइनस XO माइनस मिल रहा होगा, क्लियर है राइट। यही अगर हॉट और कंसेंट्रेटेड लेते हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि आपने इसके ऊपर हॉट और कंसेंट्रेटेड, मतलब OH बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या करो, इस पे 5OH जोड़ दो, आप क्या करो, ऐसे सोचो कि आपने 5OH जोड़ दिए। अब आपको पता है एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप क्या करते हैं, वहां से OH रिमूव कर देते हैं, तो आप यहाँ से दो वाटर रिमूव कर दीजिए, क्या रिमूव कर दीजिए, दो वाटर रिमूव कर दीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, अगर हम दो वाटर रिमूव कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, XO3 माइनस, क्या मिलेगा, XO3 H मिलेगा, ये मिलता है HClO3 मिलता है, क्या मिलता है, HClO3 मिलता है। आपने रिएक्शन देखी होगी बेटा, Br2 राइट गिव्स Br माइनस और BrO3 माइनस राइट, इसका एंड फैक्टर बहुत बार कैलकुलेट भी किया होगा आपने, इसका एंड फैक्टर दैट इज हॉट और कंसंट्रेटेड जब एल्कली लेते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती है, क्या होती है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती है, तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है राइट, क्लियर है बेटा, क्लियर है राइट। सिमिलरली अगर आपको क्या है, अगर आप, ठीक है ना, CaOH cold twice की रिएक्शन किससे कराते हो, आप क्लोरीन से कराते हैं, तो ये भी एल्कली है, ठीक है ना, ये भी एल्कली है, ठीक है, और क्या है, ये हेलोजन है, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्या मिलता है, CaOCl2। वॉट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वॉट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है ब्लीचिंग पाउडर का राइट, ये शॉर्ट है, ठीक है राइट, करेक्ट फॉर्मूला इज CaCl2.CaOCl2.CaOH2.2H2O, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ये फिर COH O twice ही है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं वाटर को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे CA कितने मिलेंगे, CA मिल रहे हैं 2, और ऑक्सीजन भी कितने मिल रहे हैं आपको 2, और आपको क्लोरीन कितना मिल रहा है 4, तो जब आप इसको 2 से इन सिंपल रेशो लिखोगे तो आप क्या लिखोगे CaOCl2, क्या लिखोगे CaOCl2, इसीलिए आप इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा, करेक्ट है। क्लियर है बेटा, थोड़ा बेटा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा जरूरी है क्योंकि क्योंकि सर ने भी कहा है कि थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराना इसको, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक आध चैप्टर आपका रहता है, तो थोड़ा हम पेस कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को कि कैसे हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है बेटा, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए यहाँ इस रिएक्शन को, ठीक है, या तो हम या देखिए यहाँ इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ CA जो था तो आपको 2OH- मिल रहे थे, और आपके पास क्या था Cl और Cl, तो 2Cl2 ले लिया, अब ये यहाँ आया, ये आया, यहाँ से निकल गया, तो आपको क्या मिला HOCl मिला, मीन्स HOCl मतलब OCl- मिला, और 2OCl- किससे कंबाइन करेंगे, ये 2OCl- किससे कंबाइन करेंगे बच्चों, इससे कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा CaOCl2, ये मिलता आपको, क्या मिलता CaOCl2, जो कि अभी हमने लिखा था, राइट। तो ये प्रोडक्ट मिलता है, बट ये साथ में क्या रहता है CaCl2 के साथ में रहता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CaOCl2 लिख देते हैं, करेक्ट है, क्लियर है बेटा। राइट, सो आप देख सकते हैं हॉट और कंसेंट्रेटेड ब्लीचिंग पाउडर है, हॉट कंसेंट्रेटेड में आपको X और XO3- मिलेगा, ठीक है, राइट। और अगर आप हॉट कंसेंट्रेटेड F2 के करेंगे तो NaF मिलता है, प्लस यहाँ पे क्या मिलता है O2 मिलता है, यहाँ याद रखेंगे OF2 मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है O2 मिलता है, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर X2 को CO के साथ कंबाइन करेंगे तो XOCO X2 मिलता है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि COCl2 मिल रहा है यहाँ पे, X कैन बी Cl2 और Br2, तो CaCl2 को क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट, इस गैस को, ये बहुत जहरीली गैस होती है, इसको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड दिस गैस इज फॉस्जीन, क्या बोलते हैं फॉस्जीन, सो दिस इज हाउ द फॉस्जीन इज प्रिपेयर्ड, राइट, क्या कहते हैं फॉस्जीन कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी यूज किया गया था इसको, राइट। और COBr2 भी हो सकता है, इसको ब्रोमोफॉस्जिन कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रोमोफॉस्जिन कहते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है बेटा, टेल मी यस या नो बेटा, नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है अभी, एट मिनट बेटा, ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। फिर है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, क्या है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के जो हेलोजन होता है वो बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाता है, राइट, ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है फ्लोरीन के ऑक्साइड्स कौन सा होता है, व्हाट इज द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन बेटा, व्हाट इज द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, OF2, क्या है O2F2, क्या है O2F2 या OF2, राइट, क्या मुझे आप बता सकते हो ये ऑक्साइड है क्या, ये दिस इज एन ऑक्साइड, क्या आप इसको ऑक्साइड कहोगे, आंसर इज नो, ये ऑक्साइड नहीं है, व्हाई इट इज नॉट ऑक्साइड, व्हाई इट इज नॉट ऑक्साइड, बिकॉज नहीं, परऑक्साइड भी नहीं है, यह ऑक्सीजन प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट, ऑक्साइड होता है O2-, राइट, तो यहाँ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, सो ये ऑक्साइड नहीं है, तो क्या क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या कोई ऑक्साइड बनाता है, डस फ्लोरीन फॉर्म्स एनी ऑक्साइड, आंसर इज नो, याद रखेंगे नहीं, ठीक है, राइट, तो फ्लोरीन के कोई ऑक्साइड्स नहीं होते हैं, राइट,
तो ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ओ टू ओ एफ टू और ओ टू एफ टू ये लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉट ऑक्साइड, ठीक है ना, राइट, दे आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन. क्या कहते हैं इनको? फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन. आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्साइड्स, बिकॉज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, राइट. जो ओ टू एफ टू होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ओ टू एफ टू है जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है. तो जो ओ टू एफ टू होता है वो इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करता, पीयू से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनता है, पीयू एफ सिक्स बना लेता है, और पीयू एफ सिक्स को बाद में हम क्या करते हैं, पीयू को रिकवर कर लेते हैं, एफ हट जाता है. सो दिस इज यूज टू रिकवर पीयू फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल, या प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है. क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, स्ट्रक्चर ही बना रखा सी एल टू ओ, सी एल टू ओ थ्री, सी एल टू ओ फाइव, सी एल टू ओ सेवन, सी एल ओ टू, क्या है, पोलोनियम बेटा. कल बताया बेटा, प्लूटो, सॉरी, राइट. अब मुझे ये बताइए, ठीक है ना, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ ओ सी एल, ठीक है ना, 110.9, कितना होता है 110.9, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, 111 होता है, क्या होता है, 111 होता है बेटा, वो भी होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो सी एल ओ, सी एल टू ओ सिक्स जो होता है वो बेसिकली सी एल ओ थ्री से एग्जिस्ट करता है, ये डाइमराइज करता है और तभी ये बनाता है. तो सी एल टू ओ सिक्स भी एग्जिस्ट करता है, आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट सी एल टू ओ सिक्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, चलिए हाँ, मैं सब अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है, राइट, कि ये जो है, ये वाला जो सी एल ओ टू है, राइट, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, यहाँ पे क्या होगा, इसके सात इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार तो बॉन्डिंग में चढ़ेंगे, एक लोन पेयर है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, राइट, तो ये क्या होगा यहाँ पे, क्या ये डाइमराइज करेगा, क्या ये डाइमराइज करेगा, आंसर यस या नो, नो, वाई नो, वाई नो, वाई नो बेटा, क्यों डाइमराइज नहीं करेगा, हाइब्रिड में है, क्या है, हाइब्रिड में है, ओके, राइट, वेकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है, ओके ओके, राइट, देखिए हाँ, जब आपने क्या किया, जब अगर हम सीएलओ थ्री की बात करते हैं तो सीएलओ थ्री में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तब आपने क्या करा, सात ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका एक जो ये थ्री एस वाला है, फिर थ्री पी वाले तीन, और फिर तीन किसके हो गए, ये तीन थ्री डी वाले हो गए, तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, राइट, और ये तीन ये है, राइट. अब ये जो तीन है ये तो चले गए पाई बॉन्डिंग में इसमें, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर जो बनाया वो ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डॉट होगा ये, तो ये तो तीन तो पाई बॉन्ड में चले गए ये वाले, राइट, ठीक है. अब ये जो मिले आपको, ये आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिले आपको, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, ठीक है, इसीलिए क्या करता है ये, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला है, ठीक है, तो ये पूछा जाता है किस ऑर्बिटल में है, तो आंसर है ये sp3 ऑर्बिटल में है, इसीलिए क्या होता है, ये डाइमराइज करता है और आपको बनाता है Cl2O6 बनाता है, क्या बनाता है, Cl2O6 बनाता है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ClO2 की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी कमी चाहिए, तो एक दो तीन और ये चार और पांच, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, दो ये क्या हो गए, पाई बॉन्ड में चले गए, और तीन ये क्या मिलेगे आपको, sp2 मिल गए, क्या मिल गए, तीन sp2 मिल गए, राइट. तो यहाँ पे आपको ये जो इलेक्ट्रॉन है ये sp2 ऑर्बिटल में है कि नहीं है, ये sp2 ऑर्बिटल में है कि नहीं है, आंसर यस या नो, ओके ओके. अब देखिए बेटा, हाँ
ये क्यों डाइमराइज करा, व्हाई डज इट गोज डाइमराइजेशन, ये क्यों डाइमराइज करा, क्या आंसर दे सकते हैं इसका, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डाइमराइजेशन, क्यों डाइमराइज करता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ये डाइमराइज क्यों किया, आंसर इज ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन होता साक्षी तो हर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या हो रहा होता, डाइमराइज कर रहा होता है, याद रखेंगे Cl2O4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये तो डाइमराइज कर रहा है बट ये डाइमराइज नहीं कर रहा है, राइट, व्हाई, प्लीज डोंट लीव द क्लास, हाँ छोटा सा डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इसलिए देखिए यहां कंडीशन बता रहा हूं डाइमराइजेशन की, मैं क्या बता रहा हूं, डाइमराइजेशन की कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज मतलब कहीं जाने की इसके पास जगह ही नहीं है, तो जब ये कहीं नहीं जाएगा तो अपने साथ जो दूसरा साथी मिलेगा उसके साथ पेयर बना लेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन था जब हम इसकी बात कर रहे थे तो ये इसके आगे कोई जगह नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड है, इसका मतलब क्या करेगा, जब ये कुछ नहीं करेगा तो दूसरा जैसे इसको मिलेगा उसके साथ ये पेयर कर लेगा, डाइमराइज कर लेगा, तो डाइमराइजेशन की कंडीशन क्या है, लोकलाइजेशन, लेकिन ये डाइमराइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ऐसा देखा गया कि CLO2 सबने पहले ऐसी सोचा, राइट, लेकिन बाद में पता चला ये डाइमराइज नहीं करता, ये नहीं बनता, तो लोगों ने फिर क्रॉस सब ऊपर क्रॉस वो करना शुरू किया, बैक कैल्कुलेशन को शुरू किया कि ऐसा क्यों डाइमराइज नहीं करता, तो उसके पीछे फिर रीजन दिया, तो रीजन क्या है, देखिए अगर ये यहाँ पे होता तो ये लोकलाइज हो जाता, लोकलाइज होता तो डाइमराइज करता था, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, अब देखिए होता क्या है, तो ये 1, 2, 3 और ये यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो 2 हो गए, नॉन बॉन्डिंग वाला हो गया, ठीक है ना, राइट, और 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, राइट, अब ध्यान से देखिएगा, राइट, ये चला गया किसमें, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ये भी चला गया सिग्मा, सॉरी, ये चला गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, चला गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, अब है क्या, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया ये क्या हो गया, लोकलाइज की डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड हुआ कि डीलोकलाइज्ड हुआ, ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, क्योंकि इसके आगे और भी 3 ऑर्बिटल खाली हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, तो अगर इंटरचेंज कर सकता है तो क्या ये कभी एक जगह पे मिलेगा, क्या ये कभी एक जगह पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो जब मिलेगा ही नहीं तो डाइमराइज करेगा क्या, तो डाइमराइज करेगा क्या, नहीं, वो डाइमराइज नहीं करता है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे होता क्या है, 2, 1, 3 और एक ये, राइट, तो यहाँ पे 3 तो sp2 ऑर्बिटल होते हैं, फिर एक यहाँ पे पाई होता है, एक ऐसे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये एक और यहाँ आप ऊपर 2 होते हैं, तो ये तो 3 तो आपको sp2 मिल गया, एक आपको ये पाई मिला, एक और पाई मिला, और जो एक है ये कहाँ चला गया, ये डीलोकलाइज्ड हो गया, क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या करेगा, ये बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेगा, इसीलिए क्या होगा, इसका डाइमराइजेशन नहीं होगा, क्लियर है बेटा, व्हाई डज नॉट गेट डाइमराइजेशन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है, चलिए बेटा, नाउ टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट, बेटा हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट, 0 बेटा, राइट, ओके बेटा, राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, हाँ, राइट, किसी को भी बेटा डाउट है तो प्लीज, हाँ, यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास बेटा, और सेंड द डाउट बेटा, आपको कोई भी डाउट है कल बेटा, हाँ, जो लास्ट में कल समझ आयो, आज लास्ट का समझ में नहीं आया बेटा, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे याद दिला देना बेटा, कल मैं रिपीट कर दूंगा, ओके ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके ओके बेटा, आई विल सेंड द व्हाइट पेज ऑल्सो बेटा।